नमस्कार, जय हिंद। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह बताया गया था कि 20 अप्रैल के बाद से कई सारी सुविधाएं चालू हो जाएगी। तो क्या क्या सुविधाएं चालू होगी, इसकी लिस्ट जो है फाइनली आ चुकी है। आप सभी को जो है बताने वाला हूँ, क्या आपका 20 अप्रैल के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो पाएगा, क्या जो है आपकी अगर कपड़े की दुकान है तो यह चालू हो सकेगी, इन सभी के बारे में जो खबरें आ चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 20 अप्रैल के बाद से जिस प्रकार से अभी किराने की दुकान खुली हुई है, तो किराने की दुकान आपकी खुली हुई रहेगी। फल सब्जियों के ठेले जो है 20 अप्रैल के बाद से खुले रहेंगे। डेयरी मीट मछली की दुकानें जो है आपका 20 अप्रैल के बाद से खुले रहेंगे। उसके बाद आपका कुरियर ई कॉमर्स सर्विसेज, यानी कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और अभी जो कुरियर कई जगहों पर बंद है, तो वह भी जो आपका 20 अप्रैल से खोल दिया जाएगा। अगर आप एक प्लम्बर है तो प्लम्बर का भी जो 20 अप्रैल से प्लम्बर की सेवाएं भी चालू कर दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का दुकान है आपका इलेक्ट्रिक का, तो आप जो 20 अप्रैल के बाद से इसे भी खोल सकेंगे। तो कई सारी नई जो है छूट दी गई है जो कि 20 अप्रैल तक पूरी तरह से सख्ती बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद जो है जिन भी इलाकों में मामले कम रहेंगे वहाँ बहुत सारी छूट दी जा रही है। इसी प्रकार जो है रेल के बारे में भी बताया गया है और जो आपका बस उड़ाने इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है, तो इन सभी के बारे में बताना चाहेंगे। यहाँ पे आपका ट्रेन जो है बताया गया है कि 3 मई तक ट्रेन पर पाबंदी रहेगा। 20 अप्रैल के बाद से कहीं भी ट्रेन नहीं चलेगी। बसें भी जो है आपका 3 मई तक के लिए बंद है। ऑटो रिक्शा 3 मई तक के लिए बंद है। और अगर आप कैब चलाते हैं तो कैब सर्विसेज भी जो है 3 मई तक बंद है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल, ये सभी चीज़ जो है पूरी तरह से 3 मई तक बंद है। और भी लिस्ट में कई चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, कई सारी सेवाएं जो है चालू हो चुकी है। अगर आपको जानना है किसी भी सेवाओं के बारे में तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, मैं यहां पे आपको लिस्ट पढ़कर जो है जवाब दे दूंगा, क्योंकि पूरा लिस्ट जो है पढ़ना यहां पे संभव नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारी सेवाएँ जो है चालू कर दी गई है और बहुत सारी सेवाएँ जो अभी भी बंद की हुई है। आपको बता दें कि यहां पे अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि ज़रूरी सामान ले जाने का काम करते हैं, तो आपको उसमें भी जो है 20 अप्रैल के बाद से छूट दी जाएगी। इसके अलावा कई सारी जगहों पे और भी छूट दी गई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।